राजपूत उत्तर और मध्य भारत के क्षत्रिय कुल के अंश है। राजपूत शब्द का जन्म राजपुत्र से हुआ है। तो स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजपूत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंग्रेजी हुकूमत के समय में राजपूतों को राजपुताना भी कहा जाता था। विकिपीडिया के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में केवल 4 वर्ण होते हैं, लेकिन जैसे ही राजपूत काल की शुरुआत हुई, यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और लोग अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए। कवि चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की 36 जातियां थी। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजपूतों ने क्षत्रिय वर्ण होने का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाया, क्योंकि उस दौर में केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही युद्ध कला सीखने का अधिकार था और क्षत्रिय वर्ण के लोग ही युद्ध में पूर्ण रूप से हिस्सा ले सकते थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे वर्णों की जातियां अलग अलग काम करती थी। जैसे ब्राह्मण वर्ण के लोग शिक्षाविद थे, वहीं वैश्य वर्ण के लोग व्यापार धंधा करते थे और शूद्र वर्ण के लोग छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे बाल बनाना, सफाई करना आदि। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान भारत के मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन राजपूत राजाओं के आपसी मतभेद के कारण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर रह गया। इसी आपसी फूट के कारण हर्षवर्धन के उपरांत भारत में ऐसा कोई भी शक्तिशाली हिंदू राजा नहीं हुआ जिसने संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज किया हो। अगर देखा जाए तो राजपूत राजाओं के पतन का एकमात्र कारण आपसी मतभेद ही था। ज़्यादातर राजपूत राजाओं की आपस में बनती ही नहीं थी और अक्सर वे एक दूसरे के राज्य पे हमला किया करते थे। इन्हीं आपसी लड़ाइयों का सीधा फायदा मुगल आक्रमणकारियों को हुआ और कुछ दशकों में राजपूत कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गए। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश लेखक कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने अपने लेख पत्रों में राजपूतों के बारे में बताते हुए लिखा है कि राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इनके अलावा कुछ इतिहासकारों के धार्मिक मत भी थे जो पूर्ण रूप से मिथक लगते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय इतिहासकार एवं विद्वान गौरी शंकर हरिचंद ओझा के अनुसार राजपूत विदेशी नहीं थे, वे पूर्ण रूप से भारतीय थे और प्राचीन क्षत्रियों के संतान थे। राजपूत वीर थे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास में आपको इनके गौरव की कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए बखूब मिलती है। उत्तर भारत के स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मुगल वंश के राजा भी राजपूत वीरों की मिसाल दिया करते थे। इतने वीर होने के बावजूद भी फिर आखिर ऐसा क्या था कि राजपूत एक के बाद एक युद्ध हारते चले गए और मुगल साम्राज्य बढ़ता चला गया। राजपूतों के पतन की मुख्य वजहों की बात करें तो सबसे पहला आता है आपसी संगठन की कमी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राजपूतों में आपसी भाईचारा और संगठन की कमी थी। जहां एक तरफ मुगल युद्ध के समय एकजुट होकर लड़ते थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत राजा एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे तक नहीं आते थे। अगर सच कहे तो हिंदू धर्म के कुछ राजा तो गद्दार भी थे, जैसे ग्वालियर के राजा जयाजी राव सिंधिया। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। राजपूतों की हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह पुरानी युद्ध नीतियाँ थी। राजपूत हमेशा पारंपरिक युद्ध नीति के साथ सीधी एक साथ दुश्मन सेना पर वार करते थे। वहीं दूसरी ओर मुगल लड़ाके जैसे दुश्मन कूटनीति एवं संभावनाओं का आकलन करके बैकअप प्लान के साथ युद्ध लड़ते थे। इसी वजह से वे अक्सर जीत जाया करते थे। ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होना भी राजपूतों के लिए भयानक साबित हुआ। चाणक्य ने कहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नुकसानदेह है। यह कहावत राजपूत राजाओं पर सटीक बैठती है। जहां एक तरफ मुगल और अंग्रेज युद्ध जीतने के लिए कूटनीति और छल कपट से युद्ध और षड्यंत्र किया करते थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत उसूलों के पक्के थे
और युद्ध पूर्ण निष्ठा के साथ लड़ते थे। अक्सर कहावतों में कहा जाता है कि राजपूत निहत्थे पर वार नहीं किया करते थे। यह भी एक कारण था कि राजपूत हार जाया करते थे। अब राजपूत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजपूत जाति की वर्तमान स्थिति बाकी अन्य जातियों के मुकाबले बेहतर है। इस जाति की मुख्यतः जनसंख्या उत्तर भारत, मध्य भारत और राजस्थान के गांव देहात इलाकों में रहते हैं। इनका मुख्यतः व्यवसाय खेती करना और पशुपालन है। शिक्षा के क्षेत्र में राजपूत जाति के लोग प्रगतिशील हैं एवं राजपूत जाति के लोगों की दिलचस्पी राजनीति, भारतीय सेना, सरकारी नौकरी और खेल जगत में अधिक है। तो दोस्तों, राजपूतों के इतिहास के बारे में आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।